आप देख रहे हैं देश खबर 24 और वक्त है खबरों का। रीवा में दोस्त की गोली मारकर हत्या करने के मामले में पुलिस ने कुल 10 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। 3 आरोपियों को हिरासत में लिया गया है, जिनसे घटना के संबंध में पूछताछ कर आज उन्हें न्यायालय में पेश कर जेल भेजा जा रहा है, जबकि मुख्य आरोपी सहित अन्य की तलाश में पुलिस अभी भी छापेमारी कर रही है। आपको बता दें कि अमहिया मोहल्ले में विशाल मिश्रा निवासी बिछिया की आरोपी सुमित सिंह सहित अन्य लोगों ने गोली मारकर हत्या कर दी। शव को संजीव गांधी अस्पताल में छोड़कर फरार हो गए। घटना के बाद आक्रोशित परिजनों ने शहर में जाम लगा दिया। इस घटना में पुलिस ने मुख्य आरोपी सुमित सिंह परिहार के अलावा उसके दोस्त, पिता, मां, बहन के अलावा शरद मिश्रा, निखिल सिंह, प्रत्यक्ष सिंह बघेल, हर्षली को नामजद किया है। इस मामले में 3 आरोपी शरद मिश्र, प्रत्यक्ष सिंह, निखिल सिंह को हिरासत में लिया गया है, जिनसे घटना के संबंध में पूछताछ कर आज उन्हें न्यायालय में पेश किया गया है। वहीं मुख्य आरोपी सहित अन्य की तलाश में पुलिस टीमें अभी भी हर संभावित ठिकानों में दबिश दे रही हैं। रात भर पुलिस ने 2 दर्जन से अधिक ठिकानों में उनकी तलाश की है, लेकिन आरोपियों का अब तक पता नहीं चल पाया है। बुधवार को पुलिस टीम मुख्य आरोपी सुमित सिंह के कुटेही स्थित प्रॉपर्टी डीलिंग के ऑफिस में भी पहुंची। वहां तलाशी के बाद ऑफिस को सील कर दिया गया है। थाना प्रभारी अरविंद सिंह राठौर ने बताया है कि पूरे घटनाक्रम की जांच चल रही है। फरार आरोपियों की तलाश में जगह जगह दबिश दी जा रही है, जल्द ही उनको गिरफ्तार करने के प्रयास किए जा रहे हैं। मुख्य आरोपी सुमित सिंह के घर को गिराने की कार्रवाई भी इधर जारी है। दूसरे दिन नगर निगम का राजस्व अमले ने उसके घर की जांच की है। दिन भर जांच चलती रही, जिसकी वजह से घर की गिराने की कार्रवाई टल गई थी। माना यह जा रहा है कि जल्द ही प्रशासन कार्रवाई करते हुए आरोपी के अवैध निर्माण को आज ढहा सकती है।